बेसिकली आगे के पार्ट्स में क्या होगा आप समझ लीजिए। तो पहले पार्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एफ एक्स एफ वाई की एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही है और कॉन्टिन्यूटी के बारे में। सेकंड पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। थर्ड पार्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कॉन्टिन्यूस है। आई थिंक आप क्वेश्चन तो समझ ही गए। पार्शियल डेरिवेटिव एंड कॉन्टिन्यूटी, टू वेरिएबल के क्वेश्चन में आपके लिए संजीवनी का काम करेगा पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि वो तो क्वेश्चन कुछ भी आए पार्शियल डेरिवेटिव तो निकालना ही होता है। सबसे पहले काम है पार्शियल डेरिवेटिव निकालना। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइड बाय एच। एक्स में एच रखेंगे, वाई में जीरो रखेंगे तो दिख रहा है जीरो हो जाएगा। सो दिस विल बी जीरो माइनस जीरो डिवाइड बाय एच, जीरो आएगा। इसी तरीके से निकाल लिया होगा आप लोगों ने एफ ऑफ एच जीरो जीरो भी जीरो है। ठीक है, अभी ये तो समझ में आता है कि थर्ड पार्ट गलत है और फोर्थ पार्ट। फर्स्ट सेकंड के लिए आपको कॉन्टिन्यूटी भी करना पड़ेगा, कल बहुत किया है हमने। अभी ऐसे देख लो भाई, ये स्टूडेंट्स भाई सीखने के ऊपर है, क्वेश्चन मैं बहुत सारे करा दूंगा आज। एवरीवन आइज ऑन द बोर्ड प्लीज, लास्ट क्लास याद करेंगे। कुछ चीजें तो देख के ही ऑब्जर्व हो जाती हैं। बाकी जीरो जीरो पे जीरो है। ये तीनों फंक्शन देखिए, कल शुरू तो इसी से किया था आप लोगों ने। आपको बोला जा रहा है, बोला गया है इफ देयर इज अ होमोजेनिटी, यहाँ सेकंड पावर है, इधर भी सेकंड पावर है, यहाँ फर्स्ट पावर मेक्स इट सेकंड पावर, तो होमोजेनियस टाइप है, ये होमोजेनियस है। ठीक है, बट यहाँ कोई बात नहीं, पावर में फर्क देखो ना, यहाँ एक्स का जितना पावर है वाई में ट्वाइस है, एक्स का जितना पावर है वाई में, तो देयर इज अ पैटर्न सेम ईयर, यहाँ पे भी वही चक्कर है भाई। ऐसे केस में थोड़ा सेंसिबली काम कीजिए, ये तो कांस्टेंट बन जाएगा, दिख रहा है। वाई को एक्स में ले लो, अलोंग वाई इक्वल टू एक्स ले लीजिए, अलोंग वाई इक्वल टू एक्स ले लीजिए, दोनों में कांस्टेंट आंसर आएगा। सेम कांस्टेंट आएगा, डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ क्या करेंगे भैया, जो पैटर्न है उसको फॉलो करो और क्या करोगे, या तो वाई को मतलब एक्स में ट्वाइस पावर के साथ, आधी पावर के साथ, आई थिंक आर यू गेटिंग द पॉइंट, वो भी कांस्टेंट बन जाएगा। एक ये ले लो और दूसरा ये ले लो। नहीं सर ये अजीब सा हो गया, तो फिर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर करके कर लीजिए, उससे हो जाएगा, कंबाइंड होके कांस्टेंट बन जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ये पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, इसमें भी तो वही है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई, अभी बहुत सारा कुछ नया नया होगा, और भैया क्लास ढंग से कर लेना, अभी यही टाइम है वो सब करने का, पहले नहीं हो सकता। जरा बताइए ये पैटर्न, ये इसमें तो होमोजेनिटी है, समझ में आ गया। यहाँ पैटर्न बन रहा है एक्स वाई की पावर्स में, इधर भी पैटर्न बन रहा है, यहाँ बताओ जरा क्या करेंगे भाई। एक्स को ले लो आप,
और फिर एक्स को ले लीजिए 2y³, नहीं तो क्या करना है आपको। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना। प्रेजेंट क्वेश्चन में आइए। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू देयर? हेलो ऑनलाइन है कोई ऑनलाइन में या बंद करें ऑनलाइन? यस y² मतलब आपका ट्वाइस पावर करके, तो y=, क्या बनेगा? दिस इज x² अलोंग विद x² एंड जी दिस इज x⁴, और ये भी आई थिंक x⁴ ही बन गया। कितना आंसर आया इसका? 1/2 अलोंग दिस कर्व 1/2। एंड अगर आप x एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो दिख रहा है आपको साफ साफ 0 है। बस हो गया खत्म। तो ये दिस इज द पॉइंट 0 0। जब ऐसे आए तो आंसर कुछ और आ रहा है, और x एक्सिस के लॉन्ग आंसर आपका कुछ और आ रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा? जिसका लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा वो क्या कॉन्टिन्यूस? तो आई थिंक ये आपका सेकेंड पार्ट करेक्ट है। क्लियर हो गया? पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, अभी करना पड़ेगा। पहले क्यों नहीं कराया, ये पहले क्यों नहीं किया? कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होता है जब ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं या नहीं, फिर आप कर लीजिए। पैटर्न शुड बी देयर, इफ देयर इज अ पैटर्न डू इट, यू कैन गो आराम से, बहुत आराम से। ठीक है ना भाई, सेकेंड पार्ट। कोई अगर आप इसमें कॉन्टिन्यूटी प्रूव करने की कोशिश भी करते तो होता नहीं आपसे, वो कॉन्टिन्यूटी नहीं होता।